हनुमान टेकरी का फुल नजारा। कांटे पड़े हैं अंदर मेंढक, यहाँ पर चिड़िया के लिए पानी भी भर रखा है और गाइस यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी। ओ हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ हनुमान टेकरी का फुल नजारा। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो बने रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आप देख रहे हैं ये हाथी पावा के पास में थोड़ा सा पहाड़ी है, वहीं का नजारा है ये। और अभी मैं जा रहा हूँ हनुमान टेकरी, मेरे गांव से होते हुए जाऊंगा, आज मैं सिटी में नहीं जाऊंगा, मैं यहां से जाऊंगा हनुमान टेकरी, आबा खोदरा के बाजू में होके जाऊंगा आज हनुमान टेकरी। और आप देख रहे हैं ये कितना खूबसूरत फूल यहां पर है। और अभी हनुमान टेकरी में पहुंचने वाला हूं, यहां जस्ट है हनुमान टेकरी। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं हनुमान टेकरी और अभी आपको मैं बताता हूं हनुमान टेकरी का फुल नज़ारा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। और ये है हनुमान टेकरी के पास में बड़ी वाली टंकी, आप देख रहे हैं ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये मेन गेट है, ये वाला मेन गेट है हनुमान टेकरी का। और अभी यहाँ से हम ऊपर जाएंगे हनुमान टेकरी के लिए। तो गाइस मेरा अब वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिया, और फिर अपन चलते हैं हनुमान टेकरी के ऊपर। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। तो गाइस अभी मैं हनुमान टेकरी के ऊपर पहुंच गया हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मंदिर है, खूबसूरत जगह है, देख रहे होंगे आप मेरे पीछे। तो गाइस अभी मैं अंदर जा रहा हूँ और यहाँ का नज़ारा खूबसूरत नज़ारा है, एक बार जरूर आए आप कभी ना कभी। जय बजरंगबली। और यह हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान टेकरी। और आप देख रहे हैं हनुमान जी के पांव लगे हुए यहाँ पर। के बाद आपको मैं बता रहा हूँ ये पौधे कितने खूबसूरत यहाँ पर लगा रखे हैं हनुमान टेकरी के ऊपर, आप देख रहे होंगे वीडियो में पूरे पौधे पौधे लगा रखे हैं यहाँ पर। और कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, मंदिर का फुल नज़ारा। तो ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है मंदिर का। और अभी आपको मैं एक खतरनाक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि फ़ोटोशूट आप कर सकते हैं यहाँ पर आके, तो वही जगह आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहें। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मंदिर के पीछे का पूरा बैकग्राउंड है। तो गाइस आपको ये मंदिर, आपको हनुमान जी का पसंद आया होगा तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। गाइस यहाँ पर चिड़िया के लिए पानी भी भर रखा है ताकि कोई चिड़िया प्यासी रहे तो पानी पी सके आसानी से। और गाइस यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी फुल है, आप यहाँ पर आके बैठ सकते हो। आप देख रहे हैं ये पूरा घना घना जंगल है यहाँ पर, और जंगल के बीच में है ये हनुमान टेकरी का मंदिर। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। तो गाइस अभी मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ और कहाँ पर बाइक खड़ी रहती है वो आपको मैं बताता हूँ, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। और वहाँ पर एक खूबसूरत नज़ारा है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आनंद लीजिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो गाइस यहाँ पर आप बाइक खड़ी कर सकते हो और ये वाला रोड आ रहा है उधर से, वहाँ मेन गेट से ये वाला रोड आ रहा है और यहाँ पर बाइक रख सकते हो। और इसके पास में एक छोटा सा हैंडपम्प है, हैंडपम्प पे पानी पी सकते हो आसानी से। और तो गाइस मैं अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस टंकी के अंदर क्या है ऐसी अनोखी चीज़। तो आप देख रहे हो ये पूरे अंदर कांटे पड़े हैं, अंदर मेंढक जिंदा है और कुछ बोतलें पड़ी है। तो गाइस इसको साफ कराने के लिए तो थोड़ा सा तो बनता है ना, मंदिर के पास में इसके लिए तो थोड़ा सा तो बनता है। तो गाइस मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइबर जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे वीडियो में न्यू लाता रहूँगा तब तक। और आप देख रहे हैं ये कितना खूबसूरत नज़ारा है उसके नीचे का, जो आपको मैं बता रहा था ना उस साइड में रोड आ रहा है उस साइड से, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और बिल्कुल जंगल एरिया है ये। तो गाइस मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितना घना जंगल है, और आपको मैं बताता हूँ जंगल में आप देख रहे होंगे कितना
खतरनाक जंगल है यहाँ पे। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।